टीएच न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी रोहतास जिला का एक ऐसा गांव में आया हूं जिस गांव का नाम कर्णपुरा है। ये गांव चिनारी प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। वो ऐसा गांव है जिस गांव में आजादी से अब तक एक बार नाली बना है, जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं किस तरह रोड पर नाली बहता है। देखिए यहाँ पर, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा तो घुमाइए। आजादी से एक बार, अभी जितने आजादी लगभग जितने दिन हो गया उसके एक बार इस गांव में नली का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन आज से लगभग 25 से 30 साल पहले इस गांव के लोग से मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश प्रसाद। ये नली कितने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है? ये बहुत दिनों से पड़ा है, लगभग 25 साल पहले का ये नाली बना हुआ है, इसके बाद से नहीं बना है। आप सुन, आप क्या वार्ड है क्या? हाँ, हम वार्ड हैं। आप वार्ड हैं तो आप क्यों नहीं बनवाते हैं? अरे मुखिया जी से बोले, हमारा तो इस में कोई रोल ही नहीं है इसमें। रोल नहीं तो आप जिसे बोले हैं, मुखिया जी से बोले हैं तो बोल रहे हैं कि मैंने एक महीना में, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे डेट देते रहते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते रहते हैं। आपका मुखिया जी, आपके द्वारा कहा गया कुछ भी काम करते हैं? अभी हमारे द्वारा कहे गए कोई काम अभी नहीं किए हैं, नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं या करेंगे, बोल रहे हैं कि करेंगे, आश्वासन देते हैं, करते हैं नहीं करते तो यहाँ पर प्रमाण मिलता है। आश्वासन दे रहे हैं, देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं तो नहीं करते हैं। क्या नाली बनना चाहिए या ना बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं? तब वही तो बोल रहे हैं, मुखिया जी नहीं कर रहे हैं तो आगे कहिए। हाँ, मुखिया जी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल पांडे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि ये जो मुखिया है सब एक बार ध्यान देना चाहिए, पूरा गली ऐसा बह रहा है, इस पर वो लोग खाली वोट लेने के लिए आएगा कि नहीं, हमको वोट चाहिए। अरे उसको तो एक बार देखना चाहिए कि ये क्या बो रहा है। कर्णपुरा गांव है या कहीं भी जाओ, ये रास्ते में पानी कीचड़ में चलो, अच्छा बात नहीं है ना। पूरा नाली देख रहे क्या है दशा। अगर उन लोगों को गाली भी देंगे तो बोलेगा गाली दे रहे। अरे अच्छा काम करो, गाली कोई नहीं देगा। जब जब चुनाव आता है तब तब मुखिया दौड़ के गांवे गांव आते हैं और जीत जाने के बाद कुछ नहीं करना जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा देवव्रत पांडे नाम है। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मुखिया द्वारा आए उसको बनना चाहिए, लेकिन मुखिया बनवाते नहीं हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि बनवाना चाहिए, और नहीं बनवाने के बाद तो वोट के बेरी तो वही तमाशा होता है। वोट में आकर गोड़ हाथ पर गिरते हैं और वोट बीत जाने के बाद झांकने नहीं आते हैं कि नली बना, गली बना कि नहीं बना, कीचड़ है कि नहीं है। यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ का मुखिया उपेंद्र शाह है, नारायणपुर पंचायत है। क्या आपका नाम है? हमारा सतीश कुमार नाम होगा। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे आजादी से लगभग सिर्फ एक बार यहाँ पे नाली का निर्माण हुआ है, वो भी 25-30 साल पहले, लेकिन आज तक यहाँ पे जो भी चाहे सांसद हो, यहाँ के हो, विधायक हो, यहाँ का मुखिया हो, कोई भी हो, एनीबडी वोट के समय में आएंगे वोट मांगने के लिए। यहाँ पे सभी जनता से हाथ जोड़ के वोट मांग लेंगे कि नहीं हमको वोट दीजिए। जनता बेचारी सीधी सादी वोट देती है, लेकिन आज तक किसी मुखिया के द्वारा या किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि हो या विधायक हो, जो हो रहा है वो विकास आप देख सकते हैं कि कर्णपुरा में कैसा विकास हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले तो यहाँ तो विधायक फंड से सड़क भी बन गया है, ना तो पहले हाथ में आदमी जाते थे। अब बताइए सड़क बनने का क्या मतलब है? देखिएगा उधर नाली का पानी आ रहा है, इसी पानी में जाने के लिए बच्चे लोग मजबूर हैं। बरसात के दिन में तो समझिए कि इसको चप्पल खोल के माथा पर लेके जाइएगा तब आप जा सकते हैं। प्रतिदिन 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए निकलेंगे और इसमें गिर जाएंगे। तो हम यही यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, सबसे हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया एक बार इस पर ध्यान दें और कर्णपुरा को विकास करें। क्योंकि देखिए विकास नहीं कीजिएगा तो वोट भी मांगने के लिए मत आइएगा। जिस दिन चुनाव होगा उस पर देखिएगा, मुखिया कम से कम मुखिया हो, BDC हो, हर सदस्य यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन विकास के नाम पे आज तक जीरो है। आप सोच सकते हैं कि जब आजादी के 75वां साल हम लोग मना चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ एक बार नाली का निर्माण होता है, तो सोचने वाली बात है। 30 साल में कितने मुखिया, 25 साल में यहाँ मुखिया आए, सांसद आए, सबको आके चेंज हो गए, लेकिन किन्हीं के द्वारा आज तक इसका कर्णपुरा गांव का विकास नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं जहां पर सब कोई कहता है कि नहीं हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन कहने का है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट में यही देखने को मिल रहा है
तो इस तरह से कैमरामैन से मैं चाहूंगा तो थोड़ा इधर घुमाइए, इस तरह से रोड पर लोग पानी बहवा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं थोड़ा अधिक पानी हो जाता है तो इस पर कावर लगने से बच्चे गिर जाते हैं। तो आखिर जब जब चुनाव आता है तब तक दौड़ लोग, मुखिया लोग, जिला परिषद लोग दौड़ के आते हैं, वोट लेते हैं, सट के जीतने के बाद हो जाते हैं जनता से हट के। तो अब सोचिए किस तरह गांव का विकास लोग करेंगे। आखिर ये लोगों को क्यों चुना गया है? जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो इन लोग के चुनने से क्या फायदा होगा? आखिर ये जनता कहाँ जाएगी, किससे कहेगी, अपना अनुरोध किससे करेगी, कहाँ जाएगी? मुखिया क्यों लिए बनाया, किस लिए बनाया गया है? बीडीसी को क्यों बनाया गया है? विकास करने के लिए। पंचायती राज विभाग जो बना है वो एक नए जरिया बन गया है, विकास का साधन बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी, ये मुखिया होने के बावजूद भी विधायक फंड से ये रोड बनता है, लेकिन मुखिया लोग, बीडीसी लोग, वार्ड लोग ये कुछ नहीं करते हैं। आखिर क्यों नहीं करते हैं? KTH न्यूज 11 में बने रहने के लिए धन्यवाद।